हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 5:30। सासुमा दूध लेकर आ गई थी नीचे से और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। मौसम आज थोड़ा ठीक है। तो ये व्लॉग कल ख़त्म हुआ था। किचन की सफाई मैंने कल ऊपर वाले पोर्शन की थी। अभी मैंने यहाँ पे सुबह की चाय बना दी है और सासुमा और हस्बैंड को नीचे बाल्टी में रख दिया है, वो पी लेंगे। और मैं फटाफट, बच्चे सोए हुए, मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। मुझे नीचे का पोर्शन साफ करना है बच्चों के उठने से पहले, मतलब कि घर में झाड़ू पोछे का टाइम 7 बजे थोड़ा सा मैं करूँगी उसको, क्योंकि अंधेरा सा हो रहा है अभी, अंदर साफ सफाई दिखता नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैंने फटाफट किचन का सारा सामान निकाल लिया है और अभी मैं लगी हूँ फटाफट से किचन की सफाई करने। जो कुछ सामान है वो कुछ सामान बाहर रख दिया है डब्बे निकाल के बड़े बड़े, और कुछ सामान ऊपर स्लिप पे रखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और पता है क्या है कि अभी रैक वगैरह नहीं लगी हुई है तो चूहे बहुत परेशान करते हैं। चूहे जो है जो भी सामान होता है सब काट काट के डब्बों के पीछे भर देते हैं। डब्बे काफ़ी बड़े बड़े रखे हुए हैं मैंने किचन में, क्योंकि ना जो राशन का सामान होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है तो स्टोरेज थोड़े छोटे छोटे बॉक्स में नहीं काम चलता। मुझे नहीं पता, मतलब रखने होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि जब रैक लग जाएंगे तब मैं क्या करूँगी इन डब्बों का, कैसे मैं इनको मैनेज करूँगी, वो देखते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह है उनको ना झाड़ू लगा लिया है, कचरा साफ कर लिया है, निकाल लिया है अंदर से। और ये जो टोस्टर मैं साफ कर रही हूँ, ये इसके वायर किचन चूहों ने काट दिए, किचन में रखा हुआ था ये वायर। इस जो टोस्टर है मेरा ये कम से कम 10 साल पुराना है, तब मैं इसको लेके आई थी और ये कम से कम 10 बार मुश्किल से यूज़ हुआ होगा, क्योंकि सबको ना वो जो तवे पर लगाते हैं ना मक्खन लगाते हैं वो सेक कर खाते हैं वो सबको पसंद है। इसके बनाए हुए ब्रेड किसी को पसंद नहीं आए, तो तब से बस ये मुश्किल से 10-12 बार यूज़ हुआ होगा, तब से बस ये रखा है। और चूहों ने इसके वायर काट दिए, इसको उठा के मुझे बेड के अंदर रखना पड़ेगा या अलमीरा में रखना पड़ेगा, यहाँ तो चूहे इसको पूरा ख़राब कर ही देंगे। और जितनी भी बाल्टियाँ बड़े बॉक्स ये सब, इसमें सब में किसी में चीनी चावल डब्बों में बहुत सारा राशन होता है, वो सब भर के रखा हुआ है यहाँ पे। डब्बे वगैरह सब अंदर से बाहर से सब साफ कर लिए, फटाफट से करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। जो वेस्ट सामान हो गया है उनको निकाल रही हूँ, जो सामान जैसे बचता है ना राशन आता है बचा के डब्बों में भर दिया है, उसके बाद जो बचता है वो बाल्टियों में रख देते हैं, तो वैसे कुछ सामान रखा हुआ था उन सबको भी निकाल के जो ज़रूरत का था डब्बों में जगह थी वो डब्बों में भर लिया है। यहाँ पे नमकीन वगैरह जो भी सामान है खाने पीने का वो सब डब्बों में भर के रख दिया है यहाँ पे। और किचन ना काफ़ी गंदी हो गई थी, नीचे वाला पोर्शन ना चूहे बहुत गंदा करते हैं, चूहे बहुत सारा सामान काट काट के ना रोटियां भी बहुत सारा सामान डब्बों के पीछे भर देते हैं। वो मुझे मतलब फिर दिक्कत होती है, साफ़ करना पड़ता है बार बार। भगवान ने चाहा तो कुछ दिन में रैक लग जाएंगी, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर पता है क्या, सामान एक साथ नहीं निकालना पड़ेगा। फिर ना ऐसे जो रैक लग जाती है तो दो दो बॉक्स एक दिन में साफ़ कर लिए टाइम निकाल के, ऐसे कर लिया करूँगी फिर तो। अभी क्या होता है, अभी अगर सामान निकाल ले तो पूरा निकालना पड़ता है। यहाँ पे गरम मसाला है, इसको भी सुखाना है धूप में पीसने के लिए, ख़त्म हो गया है। इंडक्शन को नीचे रखा हुआ था, इसको पानी वगैरह गर्म करने के लिए नीचे रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे ना किचन का सारा काम करने के बाद और सब कुछ समेटने के बाद बच्चे तब तक यहाँ पे उठ गए थे और मैं नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर को साफ कर लिया है, पोछा लगा लिया है और मुझे यहाँ पे अभी पूजा करने के बाद फिर से किचन में खाना बनाने के लिए जाना है। घर को आज झाड़ू खुशी ने लगा दिया था, खुशी उठ गई थी तो खुशी बोली कि मम्मी मैं ठीक हूँ, आप तब तक ये काम कर लो, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैंने ठीक है बोला कि ठीक है कर लो, मैं तब तक ना करा कर, क्योंकि व्रत था एकादशी का, तो व्रत पारण करने के बाद यहाँ पे जो हमने संकल्प किया होता है उसको पूरा करने के बाद हमें तुलसी पत्र और जल के साथ में अपने व्रत को उद्यापन देना होता है। और फिर यहाँ पे तुलसी में हमें आज मैंने जल दे दिया। क्या होता है कि तुलसी में हम जल देते हैं ना रोज़, तो वो आदत बनी हुई है और आज संडे था नहीं देना था लेकिन फिर भी दे दिया। फिर यहाँ पे पक्षियों को चावल दिए, क्योंकि चावल कंपलसरी होते हैं आज के दिन द्वादशी वाले दिन। यहाँ पे तुलसी में थोड़े से पत्र लिए भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि ये भोग के टाइम थाली में रखने होते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, किचन देखो चकाचक साफ कर दिए, सारी चमक रही है किचन। उसके बाद थोड़ा सा राशन का सामान हस्बैंड लेके आए थे, वो भी अभी डिब्बों में डालना बाकी है। जो पत्ते लेके आई थी बाहर से इसको डिब्बे में रख दिया ताकि ये सूखे ना, खर गंदे ना हो। ये सभी सामान अभी और आया है,
आज बच्चों ने डिमांड कर रखी थी कई दिन पहले से कि आज के दिन छोले भटूरे बनने हैं, तो कुछ सामान छोले भटूरे का है। छोले तो मैंने रात भेज दिए थे लेकिन भिगो दिए थे। वो मैदा वगैरह जो होती है ना, वो सामान आलू जो हरी मिर्च सब्जियाँ वगैरह कुछ बूरा बहुत सारे सामान होते हैं खास रात में, वो ख़त्म हो रखे थे तो वो लेके आए थे। वो सब डब्बों में डालना बाकी है अभी, तो मैंने यहाँ पर अभी पहले छोले उबलने के लिए रख दिए नमक डालकर, और इनके साथ मैंने 4 इलायची भी डाली हुई हैं, डाल रही हूँ मतलब अभी, कि वो ना टेस्ट जो उबलने के साथ जो उनका टेस्ट आता है ना, वो फ्लेवर वो अच्छा लगता है। लौंग वगैरह भी डालते हैं लेकिन मैंने नहीं डाली, फिर उनको ना निकालने में टाइम लगता है, चुगनी पड़ती हैं वो छोटी छोटी सी होती है ना, तो वो अभी एक डब्बी चल रही है इस चीज़ के लिए, मैं वो मंगवाऊंगी ऑनलाइन, उसमें डाल के फिर डाल दिया करूँगी। अभी यहाँ पे हस्बैंड लेके आई है सिरके में डालने के लिए मिर्ची, इनको धो के मैंने हल्की सी भाप लगा के सुखा देना है, फिर ये सिरके में डाल दी जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद अभी और भी छोटे मोटे काम बाकी हैं बीच में, वो भी कर लिए। फिर जो सुबह का दूध बचा हुआ था बाल्टी में, इसको भी गर्म करके रखना होता है, तो इसको गर्म करके रख दिया है ताकि ख़राब ना हो जाए। उधर छोले उबल रहे हैं, तब तक मैं जो है यहाँ पे टमाटर वगैरह जो उसका ग्रेवी का सामान है वो यहाँ पे धो लूँगी, धोकर इसको साफ़ करके सबको जो एक्स्ट्रा है उसको फ्रिज में रख दूँगी, इन सबको धोकर मैं कट कर लूँगी। अभी मैं ये काम कर ही रही थी तभी हस्बैंड का फ़ोन आया कि मिस प्यो के लिए चाय लेके जाना है मुझे, तो यहाँ पे फटाफट से मैं चाय बनाने लग रही हूँ। चाय मिस प्यो के लिए उधर दूसरे साइड कमरा बन रहा है जो अनाज के बाद जो भूसा निकलता है उसके लिए, वहाँ पे तो वहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं मतलब, तो उनके लिए चाय जाती है, रोड डली जाती है सुबह शाम। तो अभी मैं वहाँ पे किसी दिन आपको लेके जाऊंगी, मेरे को टाइम नहीं मिलता, सुबह शाम दो काम होता है, दोपहर में एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, तो टाइम नहीं मिल पाता वहाँ पे जाने का। हस्बैंड भी कई बार बोल चुके हैं कि उधर आते नहीं घूमने, तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम निकालूँ किसी दिन जाऊँ दोपहर के टाइम एडिटिंग आकर करूँगी। यहाँ पे वंशु चाय लेके जाएगा उधर, वैसे तो हस्बैंड लेके जाते हैं डेली लेकिन आज वंशु को बुलाया, वो उधर पहले चले गए थे। अभी यहाँ पे वंशु भी कुछ सामान निकाल रहा है राधा का, कुछ पहले ऊपर रखा हुआ है कुछ, ये थोड़ा सा बूरा वगैरह जो ज़्यादा बड़ा सामान था वो इसमें है। अभी यहाँ पे मैंने टमाटर छोंक दिए, जैसे मैंने पहले कई भी वीडियो में दिखाया हुआ है अपनी रेसिपी कि पहले मैं इनको छोंकती हूँ और फिर उसके बाद इनको पीसती हूँ और फिर सब्जी में डालती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ब्रेड को पीस लिया है, भिगो दिया है, क्योंकि मुझे ये मैदा में डालना है आटे लगाने के लिए भटूरे का। यहाँ पे मिर्चियाँ उबाल ली हैं सिरके में डालने के लिए, इनको सुखा दूंगी। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो पीस लिए हैं, ग्रेवी बना ली है, इसको फटाफट से पकने के लिए रख दिया है। इस टाइम पे जब ये पकता है तो छींटें मारता है ऊपर तक बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको ढक दिया अच्छे से ताकि छींटें ना पड़े, हाथ ना जले और गंदा ना हो। अभी यहाँ पे ये अच्छे से पक गया है टमाटर, जो ग्रेवी बनाई थी ये पक गए अच्छे से, सब सामान डाले थे इसमें, अदरक वगैरह टमाटर जो भी छोंक लगाया था। और अभी यहाँ पे 4 आलू थे जो उबाले थे छोले के साथ ही, और छोले वगैरह जैसे नॉर्मल सब्जी को छोंकते हैं ना, छोंक लगाते हैं, तो वही वैसे इसको छोंक दिया है यहाँ पे। अभी फटाफट से सब्जी बनकर यहाँ पे रेडी हो जाएगी। उस तरफ मैंने आटा लगा के रख दिया है ऑलरेडी, और रायता वगैरह भी बना दिया है, और यहाँ पे फटाफट छोले उबल जाएंगे, तो फटाफट से मैं अभी खाना बना लूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे ना 11 से 12 के बीच का शायद टाइम हो चुका है। तो छोले बनकर रेडी हो गए हैं, अभी फटाफट से बनाते हैं पहले भटूरे यहाँ पे गर्मा गर्म, वो पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे तब बाकी घर वाले खाते हैं। तो ये हमारा आज छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग। पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।